नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीट्यूब न्यूज। योग शिविर प्रशिक्षक द्वारा योग शिविर का आयोजन औरंगाबाद बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज सीट्यूब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संयोजन में पतंजलि योग समिति के योग शिक्षक इंद्रजीत और उनकी टीम के द्वारा योगा अभ्यास संचालन किया जा रहा है। आज पांचवा दिन योगा अभ्यास के साथ अलग अलग विषयों पर बात हुई, साथ ही योग का महत्व क्या है हमारे जीवन में ये भी बताया गया। अभी हम लोग थोड़ा बॉडी वार्म अप कर लेते हैं, कुछ कुछ अभ्यास कर लेते हैं, है ना। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाइए। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं सूक्ष्म व्यायाम के साथ। तो ताड़ासन से प्रारंभ करेंगे, दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाएंगे, हल्का हल्का जगह ले लेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर और श्वास भरते हुए पैर के पंजा पे एड़ी उठेगा। सभी लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कितने सभी लोग। श्वास खाली करते आराम आराम से नीचे, श्वास भरते ऊपर की ओर, श्वास
श्वास काली करके आराम आराम से नीचे एक बार पूरा करेंगे इसके। एक्सहेल करते हुए आराम से नीचे श्वास करते पूरा एक बार करेंगे इस अभ्यास को। श्वास का लेकर आराम से वापस दूसरे अभ्यास को करेंगे। दोनों हाथ के सामने जंगा के सामने और श्वास भरते आराम आराम से दोनों हाथों को उठाते हुए इस अभ्यास को करेंगे। चलिए श्वास को खाली करते आराम आराम से नीचे एक बार पुनः करेंगे इस अभ्यास को। श्वास भरते ऊपर की ओर श्वास खाली करते करके आराम से वापस गुड। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे कटी चक्रासन का। दोनों पैर में हल्का फासला, ये पराठे करने का ये सब चीज है ना। तो राइट हैंड कंधा पे लेफ्ट हैंड पीछे, आप सभी लोगों को पता है। श्वास को खाली करते हुए पीछे को ट्विस्ट करना है। पहले श्वास लेंगे, श्वास खाली करते श्वास लेते सामने, श्वास खाली करते अपोजिट साइड से, श्वास लेते सामने की ओर, श्वास खाली करते अपोजिट साइड से। और पूरा करेंगे इस अभ्यास को। श्वास लेते सामने की ओर, श्वास खाली करते, चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे दो को सीधा करेंगे। श्वास को इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए श्वास लेते सामने, चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे वक्स की भाषा है ना, दोनों पैर का दोनों वक्स का दोनों हाथ के निशान, श्वास लेते पीछे श्वास खाली करते वापस। बारी बारी से शुरू करेंगे। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर भाषण अभ्यास था। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे तिलक ताड़ासन है ना, तिलक ताड़ासन। दोनों हाथ पे लोड़ा करके अपने राइट साइड में अपने कमर से ऊपर सभी लोग उठा लेंगे। मौन से सब कह रहे हैं
दोस्तिक मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। Thank you.
Thank you.
अभी हम लोगों ने सूक्ष्म व्यायाम, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार का अभ्यास, कुछ दंड बैठक का अभ्यास भी हम लोगों ने किया है। तो इतना भी बहुत है, लेकिन परिणाम भी जरूरी है। प्राणायाम भी जरूर आपको करना है। सभी हम लोगों ने भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। सभी को पता है कि भस्त्रिका करने से क्या लाभ है ना। भस्त्रिका का अभ्यास करने से श्वास से संबंधित जितनी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होते हैं धीरे धीरे ठीक है। अभ्यास 5 मिनट को कम से कम जरूर कर लेना है, पर डे बोलते हैं ना। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे वज्रासन में बैठ करके पीछे की ओर लेट जाएंगे सभी लोग। सुप्त वज्रासन आराम से और बढ़िया गुड। आगे झुकने वाला जो आसन है आपका सशक्त आसन है ना, एक काउंटर पोस्चर से
श्वास लेकर पीछे आएंगे और श्वास खाने का पैर आराम से आगे झुकेंगे और माता वचन पर चढ़ाएंगे। आराम से दोनों हाथ पीछे की ओर और श्वास खाली करके आराम आराम से झुकेंगे आगे की ओर और श्वास लेकर पीछे आराम आराम से नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे
शरीर को बिल्कुल शांत रखेंगे, बिल्कुल शांत। आंखों को बंद रखेंगे, शरीर को बिल्कुल शिथिल करेंगे, शांत करेंगे। शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का कोई हलचल ना हो, ऐसा अपने शरीर को बनाने का प्रयास करें। ध्यान को सहज और शांत करें। पैर के पंजा, पैर का एड़ी को बिल्कुल शिथिल करने का प्रयास। पैर का पिंडली, पैर का घुटना, पैर का जंघा बिल्कुल शिथिल कर देंगे। ऐसा महसूस करिए कि शरीर में पैर के संपूर्ण भाग में कोई जान ही नहीं बचा है। स्व यानी कि मृत है ना, मृत शरीर जो होता है उसके भांति जो है अपने शरीर की अवस्था को मिलाना होता है, बिल्कुल शिथिल शांत। जैसे मृत शरीर में कोई हलचल नहीं होता है ना, वैसे अपने शरीर को उस अवस्था उस कंडीशन में ले जाना है। श्वास कमर को बिल्कुल हल्का रखेंगे, पेट के संपूर्ण भाग को स्पाइन को कहीं भी कोई खिंचाव नहीं रखें। हाथ के उंगलियों में, हाथ के अंगूठा में वहाँ पर ध्यान करते हुए ऐसा विचार करें, बिल्कुल हमारे हाथ का संपूर्ण भाग जो है, हाथ का उंगली, हाथ का कलाई, केहनी, कंधा, ये सारे जो भाग है बिल्कुल शिथिल और शांत हो रहा है। गर्दन में
बिल्कुल हल्का पर, गर्दन को टाइट नहीं करना है, पेट को चेस्ट को बिल्कुल जो शरीर को एकदम हल्का रखें, शांत रखें, चेहरे पर कोई स्ट्रेस नहीं, आंखों को बिल्कुल कोमलता पूर्वक बंद रखना है, आंखों पर कोई पलक को बहुत टाइट खींच के बंद करके नहीं रखना है, माथे पर कोई स्ट्रेस ना हो, चेहरे पर कोई तनाव ना हो, बिल्कुल शांत रखें। आते जाते श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना है और ऐसा महसूस करेंगे शरीर का संपूर्ण भाग मेरा स्वस्थ हो रहा है, शरीर के अंदर दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है, शरीर हमारा पूर्ण रूप से स्ट्रॉन्ग स्वस्थ जो भी कह सकते हैं उस अवस्था में हमारा शरीर आ रहा है। शरीर के अंदर से हर एक प्रकार का बुराई, हर एक प्रकार का बीमारी, हर एक प्रकार का रोग, हर एक प्रकार का कष्ट, समस्याएं हमारे शरीर से धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं और ये योग प्राणायाम आसन ध्यान इत्यादि करके जो है हमारा शरीर जो है धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है। पूर्ण शांत बिल्कुल रिलैक्स मोड में बॉडी पर रखें, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचार को बिल्कुल शांत, बिल्कुल सहज रखें, सहज अवस्था में। शरीर के प्रत्येक अंग पर ध्यान देते हुए ऐसा विचार करेंगे कि हमारा पैर का अंगूठा, पैर का उंगली, पैर का बंधा, पैर का एड़ी, हमारा पैर का पिलिंगी, पैर का घुटना, पैर का जंघा, कमर, पेट, गर्दन, हाथ का संपूर्ण भाग, शरीर का हमारा संपूर्ण भाग बिल्कुल स्वस्थ रहे, शरीर के प्रत्येक अंग हमारा बिल्कुल एक्टिव हो गया है, शरीर मेरा पूर्णता जो है सही प्रकार से काम करना जो है प्रारंभ कर दिया, ऐसा विचार करने का प्रयास करें मन ही मन। ओम का ध्यान, ईश्वर का ध्यान, अपने गुरु, अपने भगवान, अपने राष्ट्र का ध्यान, आप जिनको भी ईश्वर के रूप में मानते हैं उनका स्मरण कर सकते हैं। जब सुबह सुबह इसी प्रकार से जब
तो इन्हीं का कोई प्रश्न है क्या, कुछ कहना चाहेंगे? इन्हीं का कोई प्रश्न, कुछ पूछना चाहेंगे योग के बारे में, कोई बीमारी के बारे में, कोई ऐसा? दो चार मिनट आपके लिए। इन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई समस्या नहीं है किन्हीं को? चलिए कोई बात, तो अभी से दो दिन है, अगर अभी प्रश्न मन में ना आ रहा हो तो कल पूछ लीजिए, दो दिन का क्लास है। किसी भी तरह का कोई मन में ऐसा प्रश्न चल रहा हो योग के बारे में या किसी चीज़ के बारे में ऐसा लगे, कोई रोग बीमारी के बारे में, तो कल प्रश्न दे दीजिए, पूछ लीजिए। तो आज से क्लास को हम लोग यहीं पर समापन करते हैं। एक बार पुनः आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम, नमस्ते, सभी को ओम।